कोई भी एसएमपी ज्वाइन करने के बाद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है एक परफेक्ट टीममेट को ढूंढना, एक ऐसा दोस्त जिसको आप अपने दोनों आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो मेरे को रिसेंटली लापता एसएमपी से इनवाइट आया था और अब मैं भी एक नया एसएमपी ज्वाइन कर रहा था। एंड लकी मी, मेरा बेस्ट फ्रेंड पीएसटी भाई पहले से ही लापता एसएमपी में खेलते है, तो मेरे को नया टीममेट ढूंढने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो एसएमपी ज्वाइन करते ही मैं भागते हुए सीधा चले गया अपने बेस्ट फ्रेंड पीएसटी भाई के घर में। कॉपी भाई, वेलकम टू लापता एसएमपी। थैंक यू पीएसटी भाई, मेरे छोटे से घर में। मस्त है भाई पीएसटी भाई आपका घर। थैंक यू। तो आपने घर तो दिखा दिया पीएसटी भाई, अब चलो चलते हैं अपने चड्डी गैंग के हेडक्वार्टर्स में। वेट रुको, मैं आपको नहीं ले जा सकता यार चड्डी गैंग के हेडक्वार्टर्स पे। हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप चड्डी गैंग में नहीं आ सकते। ये क्या बात कर रहे हो भाई? सॉरी कोबी भाई, बट क्यों पीएसटी भाई, हम तो चैट गैंग, चैट चड्डी। अभी चड्डी गैंग फुल है, हैं? अभी और प्लेयर्स नहीं ले सकते, आधे बंदे तो हमारे साथ है, तो आपको ले लेंगे तो फिर लड़ेंगे किससे? सॉरी कोबी भाई, पर चड्डी गैंग में तो आप नहीं आ सकते यार। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड पीएसटी भाई ने मेरे को उनका चड्डी गैंग ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया और अब मेरे पास पूरे सर्वर में कोई भी टीममेट नहीं था और लापता एसएमपी जैसे डेडलीस्ट सर्वर में बिना अच्छे टीममेट का सर्वाइव करना इम्पोसिबल हो जाता है। तो अब अगर मेरे को इस एसएमपी में जिंदा रहना है तो मेरे को जल्दी से जल्दी सर्वर का सबसे अच्छा टीममेट ढूंढना होगा। और गाइस, सुनने में आया है कि रिसेंटली YouTube में एक ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से YouTube अपने आप ही मेरे सब्सक्राइबर्स को अनसब्सक्राइब करवा रहा है और इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बदले उल्टा कम हो रहे हैं। तो प्लीज एक बार चेक करो और अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना। यो कॉपी भाई, यो क्या हाल है? यस फाइनली, यस। फिर मेरे को एसएमपी में स्टीवी मिल गया और मेरे को अंदर से ही ऐसा फील सा आ रहा है कि स्टीवी मेरा सबसे परफेक्ट टीममेट है। वो एक्चुअली को भी हमारे रिचुअल है। हाँ। तो स्टीवी ने तो मेरे को फ्रेंडशिप शुरू होने से पहले ही मार दिया था, बट वो शायद सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि उसने मेरा हार्ट भी वापस कर दिया और फिर पूरे एसएमपी का टूर देने लग गया। उसे तो स्टीवी के साथ जो भी हुआ वो सारी चीजें मैंने अपने सेकंड चैनल में डाल दिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टीवी मेरे को लेकर चला गया उसके कैसल में और फिर उसने मेरे को उसका कैसल दिखाया, कैमल दिखाया और फिर मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेस भी दे दिया। इतने टाइम में रात हो गया था तो फिर हम चले गए नेदर में और फिर नेदर के रास्ते से स्टीवी मेरे को लेकर चला गया उसका सीक्रेट बंकर में। उधर स्टीवी के बंकर में मेरे को कुछ आयरन मिल गए तो मैंने अपने आयरन का आर्मर को भी कंप्लीट कर दिया और फिर हम दोनों ने मिलके इस सर्वर का वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेयर डार्क वेब गेमर को मार दिए और फिर उसके बेस को भी फोड़ दिए। तो स्टीवी और मेरा फ्रेंडशिप काफी अच्छा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को मेरा परफेक्ट टीममेट मिल गया है। स्टीवी हेल्पफुल भी था, आई मीन मेरे को सारे सामान उसी ने दिया है और फाइट भी ठीक ठाक कर लेता है। तो मैंने सोचा कि मेरे को उसी के साथ एक टीम बनाना चाहिए, तो फिर मैं उसके पास चला गया एक प्रपोजल लेके साथ टीम बनाने का। तो स्टीवी, मैं सोच रहा था कि अपनी जोड़ी काफी अच्छी जम रही है, तो एक काम करते स्टीवी, साथ में मिलके एक टीम बनाते, क्या बोलते हो? बट ऐसा ना, मैं अभी पहले से एक टीम में हूँ तो मैं उस टीम को छोड़ नहीं सकता हूँ। ऐसा करते हैं ना, आप ही हमारी टीम में आ जाओ। हाँ, एक ही बात है भाई, मैं तुम्हारे टीम में आऊँ या तुम मेरे टीम में आओ भाई, बस हमें साथ रहना है एक ही टीम में। हाँ वही है, वही है। चलो भाई, हो गए हम सेम टीम में, लेट्स गो। नहीं नहीं, अरे रुको ना, टीम लीडर से पूछना तो पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, चलो भाई चलते हैं। आ जाओ यार। तो फिर हम चले गए स्टीवी के गैंग लीडर के पास उनके गैंग ज्वाइन करने के लिए। आ जाओ आ जाओ। ओके, तो इधर है हमारे बॉस। हाँ बोरे बोरे बोरे। और जब मैं उधर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका बॉस तो वही मेरा पुराना दोस्त पीएसटी भाई थे। इसे बुलाता हूं अपने लीडर को। हेलो हेलो हेलो, क्या सीन है स्टीवी? अरे बहुत सही काम करके आऊं मैं पता है चड्डी गैंग के लिए एक नया मेंबर लेके आऊं। ये देखो, तुझे किसने बोला ये सब करने का? अरे अच्छे है ना बहुत। अबे तुझे मैंने बोला क्या मेंबर चाहिए हमें? अरे नहीं, पर मुझे लगा ऐसे चाहिए रहेगा। कुछ भी लगता है और बिना पूछे ये सब। और कोबी भाई यार, आपको मैंने समझाया था ना कि यार अभी फुल है, अभी नहीं कर सकते यार, आप बार बार क्यों ट्राई कर रहे हो? थोड़ा समझो मेरी बात को। मैं आपको तो अरे मार नहीं रहा भाई, रिलैक्स रिलैक्स। अरे मेरे को नहीं पता था, मैंने बोला स्टीवी अपना गैंग में आ जा, ये बोलता है मेरा ऑलरेडी गैंग है, आपको एंट्री करवाता हूँ, ये बोल के लेकर आया भाई। वही तो, ये तो दिमाग खाली है इसका क्या भाई स्टीवी? अरे मैंने तो सोचा सॉरी कोबी भाई यार, नहीं अभी तो नहीं यार, जब हम लोग ले सकते हैं ना।
तब हम आपको बिल्कुल लेंगे भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो स्टीवी भी चड्डी गैंग में था और पीएसटी भाई मेरे को चड्डी गैंग में तो लेने नहीं वाले। मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहा हूँ सर्वर में, बट मेरे को कोई भी मिल नहीं रहा था। तो मैं अच्छा दोस्त को ढूंढते हुए थक गया था, तो मैंने सोचा इस काम से छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ और एक घर बना लेता हूँ। तो फिर मैं चला गया सर्वर के स्पॉन में और एक घर बनाने लग गया। तो मैं घर बना ही रहा था तभी सर्वर का एक और प्लेयर मिस्टर लैपिस मेरे पास आ जाता है। हेलो कॉपी भाई। हेलो लैपिस भाई, किधर हो? यो क्या कर रहे भाई ये? घर बना रहा हूँ यार। ओहो डायमंड। यस अभी अनलॉक हुआ ना, कितने जल्दी कर लिए? मेरे पास ऑलरेडी डायमंड था, आपको चाहिए क्या? चाहिए तो मेरी एंडर चेस्ट कहाँ गई ब्रो? लॉल। ओ माय, क्यों दे रहे हो इतना लैपिस भाई? ऐसा मैं अपने दोस्तों को ऐसा नहीं देख सकता ना भाई। वो ऐसा आयरन में घूम रहा और मैं डायमंड में, मतलब मैं सहन नहीं कर सकता। तो लैपिस भाई ने मेरे को कुछ डायमंड्स दिए, तो उन डायमंड से मैंने डायमंड का आर्मर सेट भी बना लिया। और मेरे को अजीब लग रहा था, एक नया प्लेयर आके मेरे को ऐसे इतना सारा सामान दे रहा है। तो मैंने उससे पूछा, कुछ तो काम होगा आपका, ऐसे इतने ही दिए होंगे डायमंड्स? नहीं भाई, मुझे कुछ भी काम नहीं है, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो वैसे? घर बना रहा हूँ। हाँ मेरा पहला घर। ठीक है चलो बनाओ बनाओ बनाओ। मैं हेल्प करूँ क्या? हाँ कर सकते हो, वैसे तो ऑलरेडी इतना दे दिया, फिर और भी करना है तो करो यार, हेल्प को कौन मना करता है। तो फिर लैपिस भाई मेरा घर बनाने में हेल्प करने लग गए और हम दोनों ने मिलके पूरा घर को भी कंप्लीट कर दिया। लैपिस भाई मेरे को काफी ज्यादा अच्छे और हेल्पफुल इंसान लग रहे थे। और घर बनाते टाइम उन्होंने मेरे को कुछ तो ऐसा चीज दिखाया था, ये देखो ये देखो। ओ व्हाट, ये क्या है? रियल है भाई, रियल बेड। ए कुछ भी क्रिएटिव चलता है क्या इधर पे लैपिस? नहीं भाई, लापता एक्सपोज कर दूंगा मैं। नहीं नहीं सुनो ना, मैं बताता हूँ आपको मैट्रिक्स के बारे में। पता है तो मैट्रिक्स लापता संपी का एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेयर जिसने अपना आइडेंटिटी छुपा के रखा है और पता नहीं क्यों, बट जब भी मैट्रिक्स कोई भी कमांड देता है संपी के सारे मेंबर्स अपने आंख बंद करके उस कमांड को फॉलो करते हैं। और लैपिस बोल रहा था कि उसको बेडरॉक मैट्रिक्स नहीं दिया है, बट इन सब चीजों का अभी मेरे को टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए मेरा बस एक गोल था, एक अच्छा टीममेट ढूंढना, और शायद मेरे को एक परफेक्ट टीममेट लैपिस में मिल गया है। लैपिस से मिलने के बाद मैं लैपिस के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गया और हमने साथ में काफी सारे चीजें किए। अरे मैं हूं ना यार, क्यों दिक्कत ले रहे हो? हमने साथ में कुछ चीटिंग भी किया। आई एम द गॉड ऑफ चीटिंग। और ये रहा मेरा पहला चीटिंग का सामान, लेट्स गो। और चीटिंग करते करते एक बार तुम्हें मर भी गया था। गया, अरे क्रीपर से मर गए। फिर उसके बाद हमने चीटिंग छोड़ दिया और हैकिंग करने लग गए। स्लैश माइन रेड स्टोन, ये देखो जादू। ब्रो व्हाट, सारा का सारा रेड स्टोन। मतलब कूल भाई, कीबोर्ड माउस? मैं कीबोर्ड माउस कर रहा हूं, कुछ नहीं मेरे हाथ में माउस कीबोर्ड कुछ नहीं। ये देखो मेरा, मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। तो सब कुछ सही चल रहा था और फाइनली मेरे को मेरा परफेक्ट टीममेट मिल गया था। लैपिस और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर एक दिन हम अपने आर्मर को रिपेयर करके वापस घर जा रहे थे और तभी Let's go. इसकी डार्क का कर रहा है इधर। हेलो डार्क। लैपिस भाई मत जाओ। डार्क वेब गेमर, ये वही बंदा है जिसको मैंने एसएमपी के पहले दिन में ही पेल दिया था स्टीवी से मिलके, और अब शायद वो आया था मेरे से बदला लेने के लिए। भाई इसके साथ सीन है अपना, मैंने मारा था इसको, मेरे को मारने आया होगा। अरे हुआ लैपिस हुआ क्या? बचाओ मेरे को, मार रही है। आओ ना मारो ना भाई, दोनों मिलकर मार देंगे भाई, ये मेरे को मार देगा। तो लैपिस सर में मिलकर डार्क से फाइट करने लग गए थे तभी दो और बंदे आ गए एंडरपल मार के। मार देंगे अबे ये कौन आ गए भाई? भाई कौन है ये लोग? लैपिस भाई कहाँ चले गए आप? और फिर फाइट के बीच में लैपिस भाई ने गेम ही लीव कर दिया। लैपिस भाई आप यार, मैं एक ऐसा दोस्त को ढूंढ रहा था जो कि मेरा हर एक मुसीबत में साथ दे, और मेरे को लगा था कि शायद मेरे को वैसा दोस्त मिल गया है, बट लैपिस भाई ने सबसे मुश्किल घड़ी आने पर मेरा साथ छोड़ दिया था। वैसे तो वो तीन बंदे जो हमें मारने के लिए आए थे एंड में, उनको मैंने ही भेजा था, बट मेरे भेजने पे वो लोग क्यों ही आएंगे? तो जवाब ये है कि उनको मैंने भेजा था, बट मैट्रिक्स के नाम से मैं खुद नकली मैट्रिक्स बना और उनको मैसेज भेजा उस टाइम पे उस लोकेशन पे जाने के लिए और मेरे को मारने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरा नया दोस्त मिस्टर लैपिस ऐसे मुश्किल भरी सिचुएशन में क्या करता है। और मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे को अकेला छोड़ के भाग जाएगा, और अब इसके बाद मैं लैपिस के साथ भी अपना दोस्ती कंटिन्यू नहीं करने वाला था। एंड मरने के बाद रिस्पॉन होके जब मैं वापस अपने घर पे गया तो उधर पे मेरे को कुछ ऐसा दिखा। हेलो कॉपी, तूने मेरा नाम का गलत इस्तेमाल किया, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा।
बहन फ्रॉम लापता, बचना है तो कोऑर्डिनेट दिया है द एम। तो इधर पे मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो हट बे फालतू गिरी करता यार, अपने को किस चीज का टेंशन पड़ा है, क्या एम ओ एम लगा रखा है, हट बाय तम हे तो करके दिखा साढ़े। तो मैंने एम को उल्टा अपना मैसेज भेज दिया और फिर निकल गया ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास एक डायमंड हेलमेट के अलावा कुछ भी बचा नहीं था। तो मैं आगे बढ़ ही रहा था और तभी एक प्लेयर गेम ज्वाइन करता है। व्हाट, गेम भी ज्वाइन, ये कब आया भाई एसएमपी में? तो जब से मैंने लाइफ स्टाइल एसएमपीज में खेलना शुरू किया उसके पहले दिन से ही मेरा दोस्त रहा है गेम्बिट। करीब 7-8 महीने से गेम्बिटर में एक ही टीम में रह के खेल रहे हैं और गेम्बिट को लापता एसएमपी में देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। हेलो कोपी भाई। हेलो भाई, कब आए गेम्बिट? अरे मैं तो 2-3 दिन से बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप कब आए? मैं तो हो गया भाई, मेरा तो और लंबा हो गया भाई। भाई मैं कब से दोस्त ढूंढ रहा था भाई, कोई नहीं मिल रहा था, थैंक गॉड आप हो इधर ही। ओ भाई डायमंड वायमंड हो गया भाई, 2 दिन पहले आ गए भाई। डायमंड का आर्मर क्या, मैंने घर बना रखा है पूरा का पूरा, आप इतने गरीब क्यों भाई? भाई मेरे को तो बंदे पहले ही जा रहे हैं, मैं दोस्त ढूंढ रहा हूँ, सब धोखे दे रहे भाई, 2-3 बंदे हो गए भाई, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये क्या कर रहे है भाई, है सेनपाई की आंख खा लेती है भाई। अरे यहाँ ये फालतू का टाइम यहाँ पे मत करो भाई, आपको घर दिखाता हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे। तो फिर मैं चले गया गेम्बिट के साथ उसका घर देखने के लिए। ओए क्या भाई, दिख गया क्या? हाँ वही, आ जाओ आ जाओ। कितना प्यारा लग रहा है भाई, इतना दूर क्यों बनाया? बट अरे बना के बंदे फोड़ा देंगे भाई, आपको फोड़ा के नहीं भाई, मेरे को तो बहुत फोड़ा भाई। वो सारी बात भुला दो भाई, अब हम दोनों राज करेंगे, डोमिनेट कर लेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो फिर हम पहुंच गए थे गेम्बिट के घर पे। आपका स्वागत है द बीट हाउस में। अरे एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी कुबेर। अब से बीट और कॉपी ओपी भाई। बट घर तो सुंदर बनाए हो सच्ची में, बाहर से तो मस्त लग अरे रहा है, अंदर आके देखो भाई, अंदर से भी मस्ती होगा। आपके पास बेड तो है ना भाई? क्या घर, क्या बवासीर बना दिया भाई। अरे कोबी भाई ये तो बस दिखावटी है, असली फिर? माल तो नीचे है कोबी भाई। ओ घर के अंदर दूसरा घर है क्या भाई? नहीं अभी नीचे जो दिखाऊंगा कोबी भाई मैं आपको, हाँ मजा ही आ जाएगा क्या? मजा ही आ जाएगा, आ जाओ कोबी भाई। देखते भाई क्या है आपके बंकर में, ये देखो भाई ये क्या कर दिया गेम्बिट। तो मेरा सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड गेम्बिट ने मेरे को ट्रैप करके मार दिया था, और जब मैंने उससे पूछा कि उसने ये क्यों किया तो बोलता है भाई ये क्या था? कोपी भाई मुझे एम से ऑर्डर आया था आपको मारने के लिए, और एम ने एक और मैसेज दिया है, अगर आपको बचना है तो अपना ईमेल चेक करो। मैंने मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया था और उसका मजाक उड़ाया था, और इसके बदले उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड गेम्बिट को मेरे को ही मारने में मजबूर कर दिया। मेरे को इतना तो पता चल गया था कि मैट्रिक्स से पंगा लेना नहीं है, तो मैंने उसने जो बोला वही किया। मैं सीधा चले गया अपने मेल चेक करने के लिए। सर्वर का 2 मोस्ट रेयरेस्ट आइटम्स को ऑब्टेन करो, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स चाहता था कि मैं सर्वर का 2 मस्ट रेयरेस्ट सामान को इकट्ठा करूं, और जितना मेरे को पता है वो 2 सामान है, बेडरॉक और ड्रैगन एग, और वो दोनों ही सामान मिस्टर लैपिस के पास है। और प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर लैपिस ने मेरे को ऑलरेडी एक बार धोखा दे दिया था, तो मिस्टर लैपिस से तो मेरे को ये दोनों ही सामान मिलने नहीं वाले थे। तो अब मेरे को कुछ तो ऐसा सोचना था जिससे मैं लैपिस से उन दोनों ही सामान को चुरा सकूं। तो इस बिल्ड को बनाने के लिए अब हमें बहुत सारे मजदूर चाहिए, और जो थे उनको मैंने मारपीट के भगा दिया है, और अभी अपने को मजदूर के नाम भी एक ही नाम याद आता है, हमारे प्यारे कॉपी भाई, जल्दी आ जाओ। ये वेट वेट वेट, तू तो ड्रैगन एक चुराने वाला था ना, कहाँ से निज गेमर का मजदूर बन गया? ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को, बट द थिंग इज निज गेमर भी वही चाहते जो मैं चाहता हूँ, मतलब कि उनको भी ड्रैगन एक चाहिए, और वो भी काफी टाइम से ड्रैगन एक के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा अकेले जाके दिमाग लगा के ड्रैगन एक चुराने से अच्छा निज भाई से मिल जाता हूँ, और दोनों भाइयों मिलके ड्रैगन एक और बेडरॉक दोनों ले लेंगे। वैसे भी मैं एक दोस्त भी तो ढूंढ रहा हूँ सर्वर में, क्या पता निज भाई वो दोस्त निकले। तो निज भाई का प्लान था कैसीनो बना के लैपिस को स्कैम करना और उससे ड्रैगन एक ले लेना। बिल्ड को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए अपने को बहुत सारे ये वाले ब्लॉक्स, काले 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 से जो फोर्ट्रेस में मिलते हैं। इसको उठाना पड़ेगा इधर से उठाए, अरे मेरा ही घर है रे। तो तो फिर निज भाई और मैं मिलके सारे के सारे सामान को इकट्ठा कर लिया कैसीनो बनाने के लिए, और फिर बिल्ड करने लग गए। तो हमारा गेम शो रेडी हो चुका था और हमारा प्लान कुछ ऐसा था। तो फाइनली अभी अपना कैसीनो रेडी हो ही चुका है, तो आप देख ही सकते हो
थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसके मैकेनिक्स किस तरीके से हम स्कैम करेंगे लैपिस भाई को। तो अगर हम इस बटन को दबाएंगे ना, मान लो आप चूज करो एक कलर, रेड रेड ठीक है, तो मैंने बटन दबा दिया है और अब ये ब्लैक पे रुकेगा। यस। और अगर उसने ब्लैक सेलेक्ट किया तो अभी देखना। तो हमारा स्कैम करने वाला कैसीनो रेडी हो गया था, हम जो चाहे वही कलर निकाल सकते थे और अपने कस्टमर्स को स्कैम कर सकते थे, बट एक प्रॉब्लम था। ओके निज भाई, बट लैपिस अपना ड्रैगन एक क्यों लगाएगा भाई, उसके लिए तो हमारे पास भी कुछ उतना ही लेवल का तगड़ा सामान होना चाहिए ना। लेवल देख रहे हो भाई, लेवल हमारा कितना बढ़िया सेट बनाया हमने, क्या बात कर रहे हो यार। सेट तो बनाया बट वो क्या लगाएगा भाई इसमें सट्टे में, हम क्या लगाएंगे मतलब, वो तो लगाएगा ड्रैगन एक। सट्टा नहीं बोलना इसको, क्या बोलते हैं ये, मैं ये यार गोपी भाई। अच्छा सर, अच्छा हाँ हाँ तो वो क्या लगाएगा, हम क्या लगाएंगे गेम में उसके ड्रैगन एग के बदले भाई, वो तो नहीं मानेगा ऐसे वैसे सामान से। अरे यार ये देखो अपने पास क्या है भाई, आपके पास कहाँ से आया बेडरॉक, ये तो लैपिस के पास दिखा था मेरे को। ओपी भाई क्या बोला मैंने, अपने पे सब है यार, चिंता की बात नहीं है, ड्रैगन एग की जरूरत है अभी अपने को। तो निजगेमर के पास पहले से ही बेडरॉक पड़ा हुआ था और इसका मतलब अब हमें बस एक बारी मिस्टर लैपिस को स्कैम करना है और ड्रैगन एग लेना है, फिर मैट्रिक्स का टास्क कम्प्लीट हो जाएगा। तो फिर क्या था, निज भाई सबको धड़ाधड़ स्कैम करने लग गए और मैं नीचे पे बैठ के उनका हेल्प कर रहा था, और हमारे पास अभी तक बहुत सारे रेयर सामान हो चुके थे और अब बारी था ड्रैगन एग को स्कैम करने का। अब क्या लगाना चाहोगे लैपिस भाई आप? 5 नॉच भाई, चलो भाई ठीक है मैं लगाता हूँ 50 डायमंड के ब्लॉक लैपिस भाई, कलर चूज कर लो अपना रेड। तो निज गेमर और लैपिस भाई गेम खेलने लग गए एंड बहुत टाइम तक खेलने के बाद फाइनली ड्रैगन एग लगाने के लिए तैयार हूँ। ओके ओके, पर कुछ तो भारी लगाना पड़ेगा। क्या खुद को लगा दूं क्या भाई? यस, पूरा इन्वेंटरी आपका, पूरा एंडर चेस्ट और आपका पूरा हर्ट, इनफैक्ट यू आर, आप बैन हो जाओगे सर्वर से अगर हारे तो। ठीक है मेरे सारे जितने भी हटे। ओके ओके ताओ पे आप कलर कौन सा सेलेक्ट करते हो? ब्लैक। Yes! What? Yeah! Dragon egg. Oh shit! तो फाइनली आ चुका है अपने पास ड्रैगन एग। बट मेरे को लेना था ड्रैगन एग तो, और मैंने अभी तक निज भाई को ये बताया नहीं है कि मैं सिर्फ ड्रैगन एग और बेडरॉक लेने के लिए उनके साथ दोस्ती करने आया था। बट अभी तक निज भाई और मैं मिलके इतने सारे काम किए कि अब तो हम सच्ची वाले दोस्त बन गए थे। तो चलो निज भाई को अपना सामान मांगते। तो निज भाई हमने साथ में रह के इतना मेहनत किया और फाइनली ड्रैगन एग हमारे हाथ आ गया है। मैंने मेहनत किया, आपने कम किया, मतलब हाँ हाँ हाँ, बट आ गया है फाइनली। और मेरे को मैट्रिक्स ने बोला है कि मेरे को सर्वर का 2 मस्ट इलीगल सामान को इकट्ठा करना है और वो दोनों ही सामान आपके पास है निज भाई। तो सिर्फ और सिर्फ एक बारी बोलने पर निज भाई ने अपना एंडर चेस्ट निकाला और उसके अंदर से बेडरॉक और एंडर ड्रैगन एग निकाल के मेरे को दे दिया, और इन सबके बदले उन्होंने मेरे को सिर्फ एक चीज कहा, और इनको प्लीज खोना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जरूर निज भाई, थैंक यू सो मच। तुम्हें बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मतलब स्माइल देखो भाई। और आज मेरे को सिर्फ ड्रैगन एग या बेडरॉक ही नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त भी मिल गया है। लापता सिम्पी का मेरा पहला गोल ही एक अच्छा दोस्त को ढूंढना था, एंड थैंक्स टू मैट्रिक्स, क्योंकि बिना मैट्रिक्स का शायद मैं कभी भी निज भाई के साथ इस तरह से मिलता ही नहीं। चलो फटाफट से घर में चलते टूटा हुआ घर, और अपने चेस्ट के अंदर रखते अपने दोनों सामान को। Well done. अब एक आखिरी काम बचा है, दोनों आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर दो।